भोजन छोड़ना आपके आयु को छोटा कर सकता है। रिसर्च, आप भोजन छोड़ते हैं तो जीवन के कई साल बर्बाद करते हैं। भोजन छोड़ना बंद करें, यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। नमस्कार। तो इन न्यूज़पेपर के हेडलाइन से आप समझ सकते हैं कि कैसे फर्जी दावों और जानकारी से आपके सेहत का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी उपवास के नाम पे तो कभी वेट लॉस के नाम पे आप अपने ही शरीर के शत्रु बन गए हैं, आपको ये जानकारी नहीं है। अभी भी कई सारे ऐसे वीडियो जारी हो रहे हैं यूट्यूब पे जो दावा करते हैं कि कभी रात का डिनर छोड़ दीजिए तो आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार घटित होगा, कई तरह की बीमारियां होंगी ही नहीं। और हम इस तरह के दावों में फंस जाते हैं बिना ह्यूमन बॉडी को समझे हुए कि किस चीज पर क्या इम्पैक्ट हमारे स्वास्थ्य का होता है। हम जब भी भोजन को छोड़ते हैं, खासतौर पर रात का भोजन हो या ब्रेकफास्ट हो, तो हमारा शरीर का जो ब्लड शुगर लेवल है वो ड्रॉप होता है, नीचे जाता है। कभी कभी आपको लगता होगा, अरे खाना छोड़ दिए, देखो हमारा डायबिटीज कंट्रोल में आ गया। एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। जब आप भोजन नहीं ले रहे हैं और उससे ऊर्जा नहीं बन रही है, शुगर नहीं बन रहा है, तो आपका शुगर ड्रॉप नजर आएगा। लेकिन ये चमत्कार नहीं है कोई। चमत्कार तो तब होता जब आप भोजन का इंटेक ले रहे हैं और शुगर फिर भी मैनेज हो। खाना छोड़ के शुगर मैनेज करना बेवकूफी हो सकती है, चमत्कार नहीं। तो पहला रेस्पॉन्स क्या होता है जब आप भोजन छोड़ते हैं? कई तरह के उपवास की बातें आजकल बहुत चर्चित हैं, इसलिए इस वीडियो को बनाना जरूरी समझा। तो आपका सबसे पहले ब्लड शुगर डाउन होता है। ब्लड शुगर डाउन होने का अर्थ क्या है कि आप कम ऊर्जा महसूस करते हैं, आपको आलस लेथार्जी फील होती है, आप दिन भर डल फील करते हैं और चिड़चिड़ापना आपका स्वभाव बनने लगता है। यह शुरुआती लक्षण है। जब आप कैलोरीज कम करते हैं तो धीरे धीरे बॉडी एक संदेश देता है, क्योंकि ब्रेन आपको सरवाइव करना चाहता है और वो देख रहा है कि आपने कैलोरी लेना बंद कर दिया है। हम समझते हैं कि कैलोरी नहीं लेंगे, अतिरिक्त कैलोरी बर्न होने लगेगा और हमारा वेट लॉस हो जाएगा। ऐसा सीधा सीधा मैथमेटिक्स शरीर का नहीं है। शरीर इसको एक खतरे के तौर पर भी लेता है और ब्रेन सर्वाइव मोड पे जाना शुरू कर देता है, जिसको मेटाबॉलिक जो है एक तरह से डैमेज कहा जा सकता है कि मेटाबॉलिक स्लो डाउन हो जाता है। यानी आपका शरीर पहले यह व्यवस्था करता है कि हम कम से कम कैलोरी कैसे खपत करें। तो ऐसे में क्या होगा कि जो काम करने में, जैसे मान लीजिए पहले मैं एक सूर्य नमस्कार कर रहा था और उसमें हमारा शरीर एक कैलोरी देकर के सूर्य नमस्कार को बड़ा स्मूथ और एकदम परफेक्ट वे में करने का एनर्जी ऊर्जा देता था, अब वो ऊर्जा कम लगेगी, तब मैं वही सूर्य नमस्कार करके थका थका महसूस करूंगा। या जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं या जो भी डे टू डे लाइफ में आप काम करते हैं, कैलोरीज इंटेक कम होने की वजह से आपका बॉडी कैलोरी खपत करना बंद कर देता है। यानी सेम काम में अब कम खपत करेगा। इसको साधारण भाषा में समझे कि जैसे घर में खर्च हो रहा है, आपकी आमदनी अच्छी हो तो चलता है सब कुछ, लेकिन अचानक आपकी आमदनी कम हो जाती है तो आप टोका टिप्पणी घर में शुरू कर देते हैं, फालतू चीजों में तुम बहुत खर्च करती हो, इस चीज की क्या जरूरत थी, खरीद के ले आई हो, इस तरह की बातें हम घर में सुनने लगते हैं। जरूरी चीजें भी कम हो जाती है। उसी तरह कैलोरी जैसे आप कम करते हैं, हमारा शरीर पहले क्या करता है, आपका जो गैर जरूरी कार्य है, जैसे आपका मसल मास जो है एक दिखना चाहिए, वो कम होने लगता है, तो आप मस्कुलर कमजोरी पाने लगते हैं, आपके मसल्स में उतना टोन नहीं रहता है, आपका स्किन बेजान सा होने लगता है। बस शरीर इंतजार करता है कि जो कैलोरीज, जो 50% जो कैलोरीज हम इस्तेमाल करते हैं वो डे टू डे लाइफ में खर्च होता है। जैसे हार्ट का धड़कना, किडनी ब्लड की सफाई करता है, हम मूवमेंट करते हैं, इन तमाम चीजों में कैलोरीज बर्न होता है। ऐसा नहीं है कि हम जस्ट
कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, बस उसी में कैलोरीज बर्न होगा और बाकी समय होगा ही नहीं। हर एक्टिविटी जो लाइफ की जरूरी फंक्शनिंग है उसको कैलोरीज चाहिए। इसीलिए कैलोरीज को कलंक मत बनाइए कि कैलोरीज इंटेक कैसे कम कर दें और कहां खपत कर दें, बस वेट मैनेज हो जाएगा। नहीं, इसके गलत इंपैक्ट पड़ेंगे। जो रिसर्च कहता है, यूएस के रिसर्च, अभी हालिया रिसर्च है, कहा जा रहा है कि प्रीमेच्योर डेथ की संभावना बढ़ जाती है अगर आप स्किप करते हैं डिनर को। अभी इधर मनोज वाजपेयी का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने बताया कि कई साल से वो रात का डिनर समाप्त कर रहे हैं। वो भी एक्टर हैं, वो भी कहां फैक्ट चेक करते होंगे, वो भी कहीं व्हाट्सएप के या यूट्यूब के वीडियो में आ गए होंगे झांसे में। बाद में उनके डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया है कि नहीं, डिनर स्किप नहीं करना है, अर्ली डिनर, हल्का डिनर जरूर लें, पूरी तरह से ना छोड़ें। तो इसीलिए इन तमाम चीजों का ध्यान रखना है कि हम जब डिनर छोड़ते हैं तो किस तरह से हमारा, चूंकि फंक्शनिंग जो इंटरनल सिस्टम की फंक्शनिंग है उस पर कैलोरीज का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है, तो हमारा संबंधित ऑर्गन कम खर्च में अपना काम निपटाना है। जैसे कम खर्च, आमदनी कम हो तो कम खर्च में घर चलाना हो तो कितनी ज्यादा ग्रहणियों को परेशानी हो जाती है, उसी तरह हमारा शरीर कम खर्च में चलने लगता है तो किडनी, हार्ट सब वीक होने लगता है और प्रीमेच्योर डेथ को हम आगमन कर देते हैं। इसलिए हेडलाइन में लिखा गया है कि अगर आप खाना छोड़ते हैं तो आप अपने जीवन के कई साल को बर्बाद करते हैं, आप प्रीमेच्योर डेथ के लायक हो जाते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान हार्ट और किडनी डिजीज का हुआ है। कैंसर के रोग, जो रिसर्च कहता है कि कैंसर की बीमारियां ऐसे लोगों को ज्यादा हुई है जो सिर्फ एक बार भोजन ले रहे हैं, यानी दो टाइम फूड छोड़ रहे हैं, उनकी ज्यादा खतरा है। जो एक बार कम से कम डिनर या ब्रेकफास्ट करते हैं उन्हें और दूसरे तरफ की तकलीफ ज्यादा हो रही है। इसीलिए बुद्धिमानी है कि एक बैलेंस डाइट को हम अपनाएं और नियमित तौर पर अपने भोजन में उस तरह की चीजों को, हमने कहा कि यत ब्रह्मांडे तत्र पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो ब्रह्मांड में सन जो है अभी ज्यादा एक्टिव मोड में कब रहता है, आपका दोपहर का टाइम, तो मेटाबॉलिक उस समय सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में रहता है। यानी दोपहर का टाइम में आपको लंच प्रॉपर रहना चाहिए, ब्रेकफास्ट अल्पाहार नित्य करना, छोड़ना नहीं है। और रात्रि में डिनर छोड़े नहीं, अर्ली डिनर का एक अभ्यास लाएं। इस तमाम चीजों से आप एक बैलेंस शरीर को ले पाते हैं। हम सिर्फ ये समझते हैं कि सीधा गणित ये रखे हैं कि जितना कैलोरीज भोजन से मिलता है अगर उसको स्टॉप कर दिए और थोड़ा सा वर्कआउट कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, कुछ योगा कर लिए तो उतना लॉस हो गया, तो इस तरह से इतना ही कमाए इतना लॉस तो हमारा वेट लॉस हो जाता है। इस तरह से साइंस नहीं चलता है शरीर का। शरीर एक अलग मोड में चला जाता है और उसका नुकसान हमें कई ऑर्गन और प्रीमेच्योर डेथ, खासतौर पे हार्ट किडनी की समस्या, मसल मास में कमजोरी और ठीक एक ही तरह का काम जो पहले आप आसानी से कर लेते थे, अब उसमें आपको कैलोरीज इंटेक कम होने की वजह से ब्रेन उस सिग्नल को देता है जिसमें आप लेस कैलोरी बर्न करें, तो आप उसी काम में कम ऊर्जा लगाने के कारण थके हारे फील करते हैं। यानी इन्वेस्टमेंट जिस प्रोजेक्ट में आप पहले ज्यादा कर पाते थे उसमें आप कम करते हैं तो वाजिब तौर पे उस प्रोजेक्ट की छटा वैसी नहीं दिखेगी। इसलिए भ्रांतियों से दूर रहिए। ऐसा प्रोफाइल या थंबनेल पढ़ लीजिए कि रात में अगर आप नहीं खाएंगे आपका शरीर अपने आप कई बीमारियों को ठीक कर लेगा, और आप बस ये सब वीडियो देखने का एक झांसा है। वह उनका आपके स्वास्थ्य से, आपके सेहत से, आपके आयु से, आपके शरीर के बेहतर फंक्शनिंग से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों को स्किप कीजिए, भोजन को स्किप मत कीजिए। ऐसे YouTube चैनल को ब्लॉक कीजिए, भोजन को ब्लॉक मत कीजिए। और सही मार्गदर्शन में सही चीजों को अपनाइए, क्योंकि श्री कृष्ण भी कहते हैं कि यह योग तभी दुख को दूर करेगा जब युक्ताहार विहारस्य, तुम्हारा आहार बैलेंस में हो। आगे वो कहते हैं कि यह योग उसके लिए नहीं है जो बहुत खाता है, यह योग उसके लिए भी नहीं है जो कम खाता है, यह योग उसके लिए जो यथा आहार विहार का पालन करता है। हे अर्जुन, ये योग उसके लिए है। इसलिए आप भी इस बात को ध्यान में रखें कि
हर व्यक्ति अलग अलग है, किसी एक व्यक्ति के लिए ये फार्मूला सही भी हो जाता है तो वो जरूरी नहीं आपके लिए भी हो। इसलिए इंडिविजुअल अप्रोच इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह का काम करते हैं, हमारा दैनिक चर्या में तनाव कितना है, हम किस तरह के फिजिकल या मेंटल कार्यक्रमों में इन्वॉल्व हैं, हमारा सोना जागना कैसा है, हमारा स्लीप पैटर्न कैसा है, हम पर काम का बोझ कैसा है, हम विभिन्न तरह के एक्सरसाइज योगाभ्यास या अन्य क्या चीज करते हैं, ये तमाम चीज डिसाइड करेगा कि आपका भोजन कैसा हो। भोजन के पोषक तत्व को अगर आप भोजन स्किप करते हैं तो सिर्फ कैलोरी स्किप नहीं होता है, आपका बहुत सारा पोषक तत्व भी स्किप हो जाता है, और ये सब पोषक तत्व आपको जरूरी फंक्शनिंग जो शरीर का है उसको प्रदान करता है। और वो पोषक तत्व नहीं मिलेगा जब शरीर को, तो हर अंग कमजोर होगा और धीरे धीरे आंतरिक अंगों का कमजोर होने से आप जल्दी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, कई तरह की बीमारी और फिर प्रीमेच्योर डेथ। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पहले के लोग जहां 80 90 साल 100 साल आराम से जी रहे थे, वहां आज 60 साल में कई बीमारियां हो रही हैं, 65 70 साल में लोग चले जाते हैं और लगता है कि अच्छा पूरा साल जी लिए। तो इसीलिए इन तमाम नए जो रिसर्च हैं उसके हवाले से ये वीडियो बनाया गया है, आप ध्यान रखिए और संतुलित सम्यक आहार आपके जीवन का अप्रोच हो, अपने शरीर को शत्रु की तरह ट्रीट ना करें, व्यवहारिकता में जिए और बैलेंस डाइट लें, लगातार थोड़ा थोड़ा खाने से आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहेगा और सही तरीके से कैलोरीज का उपयोग होगा, शरीर एक ऐसे मोड में नहीं जाएगा जहां आप थोड़े समय के लिए वेट लॉस तो करते हैं लेकिन बॉडी कैलोरीज को कम बर्निंग करता है, तो वो आपके अंदर फूड सीकिंग बिहेवियर तैयार करता है, यानी आप ज्यादा खाने को बाद में उतावले होते हैं और फालतू सब चीजों खाने शुरू कर देते हैं और लेटर एज में आप वेट गेन ज्यादा पाते हैं। इसलिए बैलेंस चीज को अपनाइए, नियमित योग कीजिए, सही समय पर सो जाइए, सही समय पर उठिए और संतुलित आहार जिसमें हर तरह का पोषक तत्व तो शामिल हो उसका सेवन हर टाइम पे अलग अलग कीजिए। अलग अलग आप पशु पंक्षियों को भी देखते हैं, मल्टीपल टाइम वो खाते हैं, ऐसे नहीं कि वो एकदम से मोटे हो गए। इसीलिए इन तमाम चीजों का ध्यान रख करके आप डाइट का और संतुलित जीवन योगाभ्यास का पालन करें। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।